किडनी आपके रक्त से अशुद्धियों को बाहर निकालने का और आपके ब्लड में से इम्प्योरिटीज को फिल्टर करने का काम करती है। इसके अलावा वो आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करती है और आपके शरीर के द्रव्य को संतुलन रखने का एक महत्वपूर्ण कार्य भी करती है। इसीलिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी है। कभी कभी किडनी में छोटे छोटे पत्थर बनते हैं। ऐसा तब होता है जब आपके शरीर के मिनरल्स और सॉल्ट छोटे छोटे क्रिस्टल्स में बन जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो एक कठोर पत्थर का आकार ले लेते हैं। किडनी में स्टोन्स इसलिए भी बनते हैं कि जब आप अधिक मात्रा में प्रोटीन्स, सोडियम, रिफाइंड शुगर, फ्रुक्टोज, अंगूर का जूस, सेब का जूस और ऑक्सालेटस जो कि पालक, नट्स, चॉकलेट, कोको, स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है, उसका सेवन करते हो। यदि पत्थर बड़े हो जाते हैं तो उन्हें ऑपरेशन के द्वारा हटाया जा सकता है। हालांकि किडनी में अगर छोटे छोटे पत्थर भी बने तो उसका इलाज कुछ आसान घरेलू नुस्खों से भी किया जा सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ऐसे 10 खाद्य पदार्थ के बारे में बात करेंगे जो किडनी की पथरी को रोकते हैं और स्वाभाविक रूप से उसे छुटकारा दिलाते हैं। अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनार। अनार के बीजों का सेवन करना या उनका रस निकाल के पीना आपके सिस्टम से पथरी और अन्य टॉक्सिक पदार्थों को निकालने का सबसे आसान तरीका है। नींबू का रस और जैतून का तेल। 1/4 नींबू के रस के साथ 4 बड़े चम्मच जैतून का तेल मिलाइए। 1 गिलास पानी के साथ पिए और उसका पालन करें और रोजाना दोहराइए। बिच्छू पत्ती चाय। 1 कप गर्म पानी में आप 2 बड़े चम्मच सूखे बिच्छू पत्ती को मिलाइए। लगभग 10 से 15 मिनट तक उसको ऐसे ही रहने दें। कुछ हफ्तों के लिए दिन में 2-3 बार पिए। नींबू पानी। नींबू पानी पिए क्योंकि यह कैल्शियम निर्माण को रोकता है और इसीलिए किडनी के पथरी के खतरे को भी कम करता है। किडनी बीन्स। बीन्स को रात भर भिगोइए, पानी में उबले या उसे प्रेशर कुक करें। पानी को मलने के लिए मलमल के कपड़े का उपयोग करें और फिर इसे लगभग 7 से 8 घंटे तक के लिए आराम दें। रोजाना उपजा हुआ पानी पिए। खट्टे फल। संतरे, केला, अंगूर या टमाटर जैसे खट्टे फल इनसॉल्युबल कैल्शियम को तोड़ने में मदद करते हैं। अजवाइन के बीज। सॉस पैन में 2 कप पानी डालें और 1 बड़ा चम्मच अजवाइन के बीज डालें और उसे उबाल लें। इसे ठंडा होने दें और फिर छल्ली करके पी लें और ऐसा दिन में 1 बार पिए। तुलसी। चाय बनाने के लिए आप 5 से 6 तुलसी के पत्ते को गर्म पानी में 10 मिनट तक डुबाकर रख सकते हैं और फिर उसमें 1 चम्मच शहद मिलाइए और उसे पी सकते हैं। इसके अलावा रोज सुबह 2 से 3 तुलसी के पत्तों को चबाने से भी पथरी को बाहर निकालने में मदद मिल सकती है। बेकिंग सोडा। 1 गिलास पानी में 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा मिलाकर पिए। यह यूरिक एसिड से जमी हुई किडनी में पथरी को भंग कर देगा और दर्द को दूर करने में भी मदद करेगा। एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर और शहद को 2:1 अनुपात में मिलाइए। इस मिश्रण को 1 कप गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार पी लें। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान घरेलू नुस्खे जिससे आप अपने छोटे किडनी स्टोन्स का इलाज घर पे ही कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास और कोई भी इलाज है किडनी स्टोन्स को ठीक करने के लिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। और अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल आस्क ए गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।